भील और गोंड जनजाति देखने के बाद आज हम देखेंगे कोल जनजाति। तो टॉपिक डाल लें कोल जनजाति। कोल जनजाति सबसे पहले देखते हैं इनकी भौगोलिक दशा, मतलब ये मध्य प्रदेश के कौन से इलाकों में स्पेशल तौर पर रहती हैं। तो नोट करिए, भौगोलिक वितरण लिख सकते हैं। भौगोलिक वितरण, क्लियर? चलिए, तो जो कोल जनजाति है स्पेशली मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से में रहती है। कोल जनजाति मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से में निवास करती है, जैसे सीधी, रीवा, सतना, शहडोल आदि। तो मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी जिलों में निवास करती है और कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति है। कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और समूह के रूप में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति है कोल जनजाति। इसके बाद अब क्योंकि छोटी ये जो जनजाति है इनके बारे में थोड़ी थोड़ी ही चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि जो सबसे बड़ी जनजाति है उनके बारे में हमने काफी डिटेल से देखा, तो अब हम इसे डायरेक्ट पॉइंट वाइज लिखेंगे। तो अगला पॉइंट लिखेंगे कि जो कोल जनजाति है ये हिंदू संस्कृति से प्रभावित है। हिंदू संस्कृति से प्रभावित जनजाति है कोल जनजाति। हिंदू संस्कृति से प्रभावित होती है। अगला पॉइंट लिखेंगे कि कोल जनजाति दो उपवर्गों में विभाजित है। कोल जनजाति दो उपवर्गों में विभाजित है, कौन कौन से? पहला है रौतिया, रौतिया, और दूसरा है रौतले। रौतिया और रौतले दो उपवर्गों में विभाजित है कोल जनजाति। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रौतिया और रौतले ये दो विभाजक किस जनजाति के हैं, है ना? तो आपको आंसर क्या देना होगा वहां पर, कोल जनजाति। अगला पॉइंट लिखेंगे कोल जनजाति में बहुविवाह की प्रथा है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति इस जाति का बहुविवाह ही करता है, बट बहुविवाह यहां पर लोग करते हैं। और यहां पर वधु मूल्य, यहां पर वधु मूल्य और पर्दा प्रथा नहीं है। पर्दा प्रथा और वधु मूल्य यहां पर नहीं है। अगला पॉइंट लिखेंगे कि जो कोल जनजाति के लोग होते हैं इनका प्रमुख व्यवसाय होता है कृषि मजदूरी। ये कृषि मजदूरी करते हैं, परंतु वर्तमान समय में अब ये उद्योगों में भी लगे हुए हैं, है ना? विनिर्माण क्षेत्र या उद्योगों में भी ये कार्यरत है, साथ ही पशुपालन का भी ये कार्य कर रहे हैं। पशुपालन का भी कार्य कर रहे हैं और सरकार की विभिन्न योजनाओं के द्वारा ये शिक्षित भी हो रहे हैं और सरकारी सेवाओं में भी जा रहे हैं। तो कोल जनजाति के लोग विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न हैं और अपना जीवन यापन इस प्रकार से करते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे कि ये जो कोल जनजाति के लोग हैं ये मतलब पूजा धार्मिक जीवन इनका कैसा है। तो कोल जनजाति के लोग ठाकुर देव को अपना देवता मानते हैं, ठाकुराइन दाई, मां शारदा की भी पूजा करते हैं।
कोल जनजाति के लोग माँ शारदा की भी पूजा करते हैं। सन्यासी देव सूर्य चंद्रमा, सन्यासी सूर्य और चंद्रमा की भी ये पूजा करते हैं। क्लियर हो गया? तो इनका धार्मिक जीवन इस प्रकार से है। तो कोल जनजाति में बस आपको स्पेशली इनके उपवर्ग याद रखने हैं और ये किस क्षेत्र में पाई जाती है मध्य प्रदेश के, आपको ये याद रखना है। और तीसरी सबसे बड़ी ये जनजाति है मध्य प्रदेश की। क्लियर हो गया? अब बढ़ते हैं अपनी अगली जनजाति की ओर। अगली जनजाति है बंजारा। चलिए पहले कोरकू देख लेते हैं। टॉपिक डालेंगे कोरकू जनजाति, कोरकू जनजाति। क्लियर? चलिए इसे भी हम पॉइंट में ही देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के किन इलाकों में कोरकू जनजाति पाई जाती है। तो जो कोरकू जनजाति है ये मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में स्पेशली पाई जाती है, जैसे होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, हरदा आदि दक्षिणी जिलों में कोरकू जनजाति पाई जाती है। क्लियर? अगला पॉइंट लिखेंगे, काफी बड़ी विशेषता है इनके अंतर्गत कि ये जो कोरकू जनजाति के लोग होते हैं ये राजपूतों को अपना पूर्वज मानते हैं। ये जनजाति राजपूतों को अपना पूर्वज मानती है। क्लियर? इनके इस जनजाति के अंतर्गत कुछ सम्मानित व्यक्ति हैं, जैसे पाडियार और भूमका, पाडियार और भूमका इस जनजाति के कुछ सम्मानित व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति है। क्लियर हो गया? चलिए, एक्चुअली मैं जब ब्लू मार्कर का यूज करती हूँ तो फोकस नहीं हो पाता है, इस वजह से मैं यहाँ पर प्रॉपर ब्लैक से लिख रही हूँ, क्योंकि फिर आप लोगों को दिक्कत होती है। अगला पॉइंट लिखेंगे कि कोरकू जनजाति की चार उपजातियां हैं। कोरकू जनजाति की चार उपजातियां हैं, कौन कौन सी उपजातियां हैं देख लेते हैं। दुलारिया पहली उपजाति है, दुलारिया पूछा जा सकता है दुलारिया किस जनजाति की एक उपजाति है। तो पहला है दुलारिया, दूसरा है रूमा, दुलारिया रूमा बोवई, बोवई दुलारिया रूमा बोवई, और एक और है अभी मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से, मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया जाएगा या फिर आपको अगले वीडियो में बता दिया जाएगा कि इनकी चौथी उपजाति कौन सी है। दुलारिया रूमा हो गई और एक और है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगी। अगला पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कोरकू जनजाति के अंतर्गत ऐसे लोग जो कि भूस्वामी होते हैं, कोरकू जनजाति के अंतर्गत ऐसे लोग जो कि भूस्वामी होते हैं वह कहलाते हैं राज कोरकू, है ना। तो राज कोरकू कौन है? जो कि भूस्वामी होते हैं, जिनके पास भूमि होती है, ऐसे कोरकू कहलाते हैं राज कोरकू। अगला पॉइंट लिखेंगे, इनमें समगोत्री विवाह नहीं होते, समगोत्री विवाह वर्जित होता है। अपने सभी जनजातियों में देखा समगोत्री विवाह नहीं होते हैं किसी भी जनजाति में, और अलग अलग इनके यहां विवाहों का प्रचलन है, और कुछ विवाहों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे पहला है लमझना विवाह, लमझना विवाह, दूसरा है राजी बाजी, लमझना विवाह राजी बाजी, हठ विवाह, हठ
विवाह, कई अलग अलग प्रकार है विवाह के, विधवा विवाह, विधवा विवाह आदि। तो इन विवाहों का प्रचलन है, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं ये विवाह कोरकू जनजाति के अंतर्गत। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रही हूँ कोरकू जनजाति का, और वो फैक्ट ये है कि कोरकू जनजाति का एक बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है, बहुत ही प्रसिद्ध, उसका नाम है खम्ब सॉन्ग, खम्ब सॉन्ग। और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि खम्ब सॉन्ग किस जनजाति का नृत्य है, आपको बताना पड़ेगा कोरकू जनजाति। तो रट लीजिए, खम्ब सॉन्ग कोरकू जनजाति का एक प्रसिद्ध नृत्य है। अगला पॉइंट लिखेंगे कि यह जीवन यापन के लिए प्रमुख रूप से झूम खेती करते हैं, स्थानांतरित कृषि करते हैं, झूम कृषि करते हैं। झूम कृषि क्यों करते हैं, इसका भी रीजन है, क्योंकि अक्सर जो जनजाति वर्ग के लोग होते हैं वो कहते हैं कि धरती हमारी माता है और धरती के ऊपर हल चलाना उनका सीना चीरने के समान कार्य होता है। तो इस वजह से ये लोग जब खेती कर लेते हैं भूमि पर तो उस पर दोबारा ये हल नहीं चलाते और किसी और जगह जाके फिर वापस से वहां पर खेती करते हैं। तो इसी खेती को कहा जाता है स्थानांतरित कृषि या फिर झूम कृषि। अगला पॉइंट लिखेंगे कि ये जो कोरकू जनजाति के लोग होते हैं ये मेघनाथ की पूजा करते हैं, धार्मिक जीवन के अंतर्गत ये मेघनाथ की पूजा करते हैं, है ना। और मेघनाथ के अलावा ये मुर्दा देव एक होते हैं इनके देवता, मुर्दा देव, है ना। और इनके ग्राम देवताओं में एक डोंगर देवता करके होते हैं, मुर्दा देव भी इनके ग्राम देवता है और एक डोंगर देवता करके होते हैं। और वर्तमान समय में तो सभी जनजाति अब सामान्य जीवन जीने लगी है, तो हिंदू धर्म में प्रचलित जितने भी देवी देवता है उनकी भी ये सब पूजा करते हैं। तो ये हो गई कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति में अब सबसे पॉइंट क्या था, खम्ब सॉन्ग सबसे ज्यादा, और ये लमछना, है ना, खम्ब सॉन्ग तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं अगली जनजाति की, और अगली जनजाति है बंजारा। अगली जनजाति है बंजारा। बंजारा आप अक्सर देखते होंगे, सामानों का विक्रय करने भी आते हैं आपके घर के आसपास, या फिर कभी आप मार्केट में देखते होंगे बहुत ज्यादा सजी धजी होती है वो स्त्रियां, है ना, और सामान ये बेचने के लिए अक्सर आते हैं। तो वही बंजारा जनजाति के बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्पेशली बंजारा को हम राजस्थान के तौर पर जानते हैं कि राजस्थान की है, पर ये पर्टिकुलर किसी है तो बेसिकली राजस्थान से ही, लेकिन ये पर्टिकुलर किसी एक विशेष स्थान पर नहीं रहती, ये घुमंतू जनजाति होती है, ये घूमती रहती है इधर से उधर। तो लिख सकते हैं कि यह एक घुमंतू जनजाति है और इनका घर भी कोई स्थायी नहीं रहता है, इनका कोई स्थायी आवास भी नहीं है, इनका अस्थायी आवास ही होता है, जहां पर ये अपना कार्य करने के लिए जाते हैं वहीं पर ये अपना एक अस्थायी आवास बना लेते हैं। तो गांवों के निकट इनकी एक बस्ती होती है, गांवों के निकट इनकी क्या होती है, बस्ती होती है, किसकी, बंजारा जनजाति की। और इस बस्ती में बंजारों के टांडे होते हैं, बताती हूं मैं, बस्ती में क्या होते हैं, टांडे होते हैं, टांडे मतलब होता है इनके जो अस्थाई घर घर होते हैं। आप अक्सर देखेंगे शहरों के भी आसपास देखेंगे कि कभी कभी कह सकते हैं टेंट जैसा घर, छोटे 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 बहुत सारे घर बने होते हैं, एक बस्ती जैसा वहां पर ये मेंटेन कर लेते हैं, तो उसको ये टांडे कहते हैं। तो ये अस्थाई घर होते हैं बंजारों के। और इस जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इन पर अभी भी कबीलाई पद्धति का प्रभाव है, कबीले में रहते हैं, कबीलाई पद्धति का इन पर अभी भी प्रभाव है। और जब ये राजपूतों का काल था तो राजपूत काल में ये जो बंजारा जनजाति थी ये उनके मनोरंजन के लिए नृत्य और गायन वगैरह किया करते थे, इनका स्पेशली कार्य यही था, नृत्य करना और गायन करना, है ना। और
सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप सभी यूज करते हैं लेकिन कभी सोचा नहीं होगा, आप जो कंघी करते हैं, जो कॉम है, इसका इस्तेमाल विश्व में सबसे पहले बंजारा जाति ने ही करना शुरू किया था। तो कंघी का प्रयोग सर्वप्रथम विश्व में, ना कि भारत में, विश्व में बंजारा जनजाति ने ही करना शुरू किया था ऐसा माना जाता है, है ना? ऐसा माना जाता है कि कंघी का प्रयोग या फिर कंघी का आविष्कार कह सकते हैं सबसे पहले बंजारा जनजाति के लोगों ने ही किया था। बंजारा जनजाति के जो कबीले होते हैं, कबीले का जो मुखिया होता है वो कहलाता है नायक। कबीले का मुखिया क्या कहलाता है? नायक। अगला पॉइंट लिखेंगे कि जो बंजारन स्त्रियां होती हैं, ये संसार की सबसे ज्यादा श्रृंगार प्रिय स्त्रियां होती हैं। बंजारा जनजाति की जो स्त्रियां होती हैं, स्त्रियां ये सबसे अधिक विश्व की सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय स्त्रियां होती हैं। आप जब देखेंगे अक्सर क्या होता है, बैलों में लाद कर ये सामान लेकर जाते हैं और उसे स्थान अलग अलग स्थानों पर बेचते हैं, तो आप देखेंगे, आप कॉस्ट्यूम तो अभी अच्छे से बता नहीं पाऊंगी मैं, तो बहुत ज्यादा ये श्रृंगार करके रखती हैं। तो विश्व में कहा जाता है कि बंजारा जनजाति की जो स्त्रियां होती है ये विश्व में सबसे अधिक श्रृंगार की प्रेमी होती है। क्लियर हो गया? चलिए और इनका व्यवसाय देख लेते हैं। तो पहले इनका व्यवसाय कुछ और था, ये मजदूरी भी करते थे, अभी भी मजदूरी करते हैं ऐसा नहीं, लेकिन प्रमुख रूप से अभी पशुपालन का कार्य करने लगे हैं। वर्तमान में ये ज्यादातर जो बंजारे होते हैं ये पशुपालन का ही कार्य करते हैं, है ना? और पहले ये क्या करते थे, ये पहले बालद लाते थे, पहले क्या करते थे, बालद लाते थे। बालद का मतलब क्या है कि बैलों में ये सामान लादकर और ले जाते थे शहरों में, गांवों में, जगह जगह पर उस सामान का विक्रय करते थे, मतलब उस सामान को बेचते थे, इसे ही कहा जाता है बालद। अभी भी आप देखते होंगे कि पहले कुछ समय पहले कुछ ज्यादा ही बालद, मतलब बैल में सामान लाद कर लाना और उन्हें बेचना, आप कुछ ज्यादा ही देखते होंगे, बट अभी कुछ टाइम से ये जो प्रोसेस है ये बंद हो चुकी है क्योंकि अभी धीरे धीरे पशुपालन के कार्य में संलग्न हो गए हैं। एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगी इनके बारे में कि ये जो जनजाति है ये गुरु नानक साहब और गुरु नानक जी और गुरु ग्रंथ साहिब में अटूट विश्वास रखते हैं, अटूट आस्था रखते हैं। ये गुरु नानक और गुरु ग्रंथ साहब जो कि सिखों का एक पवित्र ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब, इन दोनों पर ये अटूट आस्था रखते हैं, अटूट विश्वास रखते हैं, अटूट विश्वास रखते हैं। क्लियर हो गया? लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, ये राम भगवान, कृष्ण भगवान, दुर्गा माता, इन सब की भी ये पूजा करते हैं। तो तीन जनजातियां हमने आज देखी, कोल जनजाति और कोरकू जनजाति और बंजारा जनजाति। अब इसके बाद कुछ जनजातियां और बची हैं, हम वो देखेंगे, दो से चार जनजातियां भी और बची हुई हैं। और मध्य प्रदेश की तीन विशेष पिछड़ी जनजातियां बैगा, भारी और सहरिया, इनके बारे में हम अलग से देखेंगे क्योंकि अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, ना केवल आपके वनडे एग्जाम में नहीं और ना तो केवल प्रीलिम्स एग्जाम में, मेंस में भी अक्सर सवाल इसके बारे में पूछा जाता है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे अपनी अगली जनजाति के लिए, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए गर्मियों को मात देते हुए, और अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई में, ऐसा नहीं कि आप अपना स्वास्थ्य भूल जाए, अपना शरीर भूल जाए, शरीर है तो सब कुछ है, तो इसलिए अपने शरीर का भी ध्यान रखते हुए पढ़ाई करते हुए, क्योंकि आचार संहिता भी खत्म होने वाली है, एग्जाम भी आ जाएगा फटाफट, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए और अपनी पढ़ाई को आप रखते। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।